अपने भारत के लोगों के अंदर एक कमी है कि वो कोई भी बात होती है वो पूरा नहीं सुनते हैं, आधा सुनते हैं, और आधा उन्होंने चीज को सुना और उसी को लेके वो चल दिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जगत मिथ्या है, ये जो मेरी काया है वो मेरी अपनी नहीं है, और हमें ये जो शरीर मिला है, मनुष्य योनि मिली है, वो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिली है, तो इसका हम भरपूर आनंद उठाते हुए मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर हैं। तो ये नहीं सुना उन्होंने, उन्होंने केवल यही सुना कि जगत मिथ्या है, ये काया अपनी नहीं है, इसे भौतिक शरीर को आनंद में सुनो तो मोक्ष प्राप्ति। मेरी बात सुनते थे। फिर हर एक व्यक्ति से आप ये समझ सोचिए कि हर एक व्यक्ति अब आज को जाने कब से ये कहता चला आ रहा है कि जगत मिथ्या है, ये काया अपनी है नहीं, जगत में रखा क्या है, हैं, हमें तो मर के चले जाना है, हैं, सब यहीं पड़ा रहेगा, तो हम किसके लिए करें, हम किसके लिए करें, किसके लिए करें? तो व्यक्ति ना तो अपनी काया को अच्छा बना रहा है, हमारी जो काया है वो मेरी नहीं है, तो हमने जो मानसिकता बना लेंगे तो हम अपनी काया की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों ध्यान देंगे हम, जब मिथ्या है, जब मिथ्या है नहीं ध्यान देंगे, ये जगत मिथ्या है तो जहाँ सामान पड़ा है पड़ा रहने तो हमें क्या मतलब, जहाँ गंदगी पड़ी है पड़ी रहने तो हमें क्या मतलब, जहाँ सड़कें खराब हैं पड़ी रहने तो हमें क्या मतलब, जगत मिथ्या है, हमें तो इन पर रहना है और चले जाना है, फिर बाद में बना के हमें क्या करना है। लेकिन विदेशी लोग जो थे वो इस बात को जानते नहीं थे कि जगत मिथ्या है, ये है वो है, सनातन धर्म का उनके पास ज्ञान नहीं था, तो उनको जो दिखाई दिया उन्होंने उसे अपना माना, जो कुछ उसको उनको दिखाई दिया उसे अपना माना उन्होंने कि अरे ये हमारी दुनिया है, ये हमारा देश है, इसी देश के में ही रहना है हमको और इसी में हमको इसी को अच्छा बनाना है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी सड़कें अच्छी बना ली, अपनी आमदनी भी अच्छी कर ली, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने सुंदर सुंदर शहर बसा लिए और अपना अच्छे तरीके से अनुशासन वाले कानून बना लिए और अनुशासन से रह भी रहे हैं, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी में भी उन्नति प्राप्त कर ली, और हम लोग इसी में बने रहे कि जगत मिथ्या है, हम क्या करेंगे, क्या करना है, हैं, खाते रहो पीते रहो पड़े रहो, ना तो माया मिली और ना ही राम मिला, हम ना तो हमने भौतिक सुख सुविधाएं हमने प्राप्त कर पाई और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हुई। आज भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, बाबाओं के पास, उनके पास, उनके पास, उनके पास, उनके पास, ठीक है। विदेशी लोग आज भी नहीं मानते हैं कि हम ये जगत मिथ्या है, और हमारा ज्ञान भी उनके पास है, धीरे धीरे पहुंच गया, महर्षि जी ने पहुंचा दिया धीरे धीरे करके ज्ञान, स्वामी विवेकानंद ने पहुंचा दिया अपना, गौतम बुद्ध ने पहुंचा, विवेकानंद ने पहुंचाया, बाबी विवेकानंद ने भी पहुंचा दिया, प्रभुपाद ने पहुंचाया, सब ने पहुंचाया, ठीक है। तो वो उनको अध्यात्म भी में ही भी अब आगे चल रहे हैं वो, और भौतिक में भी आगे चल रहे हैं वो, और अब यहाँ पर बैठ के तालियाँ बजा रहे हैं। एक चीज मैं बोलता हूँ, सुनिएगा, हमारे भौतिक ज्ञान को पहुँचाने वाले जो तीनों हैं, यहाँ के ज्ञान महर्षि, प्रभुपाद और विवेकानंद, तीनों संयोग बस कायस्थ थे, कायस्थ हैं भाई, तो बता रहा हूँ मैं इन्हीं जो मैं जी वो तो कायस्थ हैं, इस चीज़ की तो हमें भी मालूम है इस चीज़ को, लेकिन बुलाया बता उन्होंने ज्ञान दिया तो। और आज देखिए विदेशी लोग अध्यात्म की तरफ भी हैं और भौतिक भौतिकता की तरफ भी हैं, और जब वो अध्यात्म की कोई बात करते हैं तो हम यहाँ पे गर्व महसूस करते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन हम कहाँ हैं,
हम कहाँ हैं? चीन जो है वो आगे क्यों इतनी जल्दी हो गया, इसका कारण किसी ने समझा? जाना किसी ने समझा? जाना नहीं। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर योग है। वहाँ पर क्या है? योग। और वहाँ पर मेडिटेशन है। ऑनली जहाँ पर योग और मेडिटेशन है वो देश वहाँ पर बहुत आगे हैं। यहाँ के लोग कहते हैं तो मेरा है, यहाँ के लोग ये कहते हैं कि मेरा है, लेकिन मेरा होते हुए भी हम उसे अपना नहीं रहे हैं। आप समझ में आया कि मेरा भारत गरीब क्यों है? जैसे मेरा भारत गरीब क्यों है, समझ में आ गया ना? जैसे ये विद्यालय हमें है। हमें सुनो तो, हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, तभी हम और देशों के आगे खड़े हो पाएंगे। आज भी 200 यूनिवर्सिटियों में से एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है विश्व में। विश्व में जो खाका तैयार होता है वन से लेकर और 200 तक यूनिवर्सिटियों का, उसमें से अपनी यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। 199 में भी नहीं है, 200 आखिरी में भी नहीं है। कि जैसे इस्कॉन मंदिर है, ठीक है, जो इस्कॉन मंदिर की आया कहाँ से, इस्कॉन मंदिर की जो संस्था है वो आई कहाँ से? वो आई फॉरेन से। इस्कॉन मंदिर वो फॉरेन से आई। तो सबसे पहला एक मंदिर था पहले अपने यहाँ इस्कॉन मंदिर का, जो शायद दिल्ली में है। उसके बाद दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बन रहा है। तो अब क्या हुआ कि कृष्ण जी हैं, जो आजकल कृष्ण के जो भक्त हैं वो आपको सिर्फ नाचते गाते हुए ज़्यादा मिलेंगे। कृष्ण के जो भक्त हैं वो नाचते गाते लोग ज़्यादा मिलेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हमें इस बात का जवाब चाहिए कि कृष्ण ने कब कहा कि मेरी भक्ति में नाचो गाओ? कृष्ण ने अर्जुन को क्या नाचने गाने के लिए कहा था उपदेश देते समय? जो कृष्ण ने कहा वो हम क्या हम कर रहे हैं क्या? जब कृष्ण ने नहीं कहा कि नाचो गाओ तो हम क्यों नाच गा रहे हैं भाई? इसको हम भक्ति कहाँ से मान लेंगे? ठीक है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे गीता में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप मेरे प्रति भक्ति भाव से नाचो गाओ, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जो कुछ उन्होंने नहीं कहा वो हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हम उनके मन से नहीं कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों पर नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपने आप खुद कर रहे हैं। तो हम खुद कर रहे हैं कि सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। सुनो तो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है ना, जब तक आप अध्यात्म नहीं अपनाओगे, जब तक आप अध्यात्म नहीं अपनाओगे तब तक आपके अंदर धार्मिकता आ ही नहीं सकती। सही। अध्यात्म हमारे मन को एकाग्र करता है। अध्यात्म अगर हम अपनाएंगे तो हम अपने मन को काबू में कर लेंगे, और जब मेरा मन काबू में होगा तो वो फिर हमारे अंदर धार्मिकता अपने आप आ जाएगी, हमें उसे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल जो कुछ भी हो रहा है ये धार्मिकता नहीं है। अभी सावन में लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, नाच गा रहे हैं, वहाँ पे डीजे लगा है, लड़कियाँ नाच रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये क्या भक्ति है क्या? सिर्फ मनोरंजन है। ऑनली काम धाम जिसके पास नहीं है वो निकाल रहा है, जो नौकरी है जिसके पास, जो काम कर रहा है वो निकाल रहा है क्या कांवड़ यात्रा? तो सिर्फ मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, 50,000 रुपया जेब में डाले, मनोरंजन के लिए निकल गए, नाच गा रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा पहले जो हुआ करती थी वो ऐसे हुआ करती थी, बिल्कुल शांति से, शांत मन से,
और आराम से चलते चले जा रहे हैं, हैं, और शंकर भगवान का नाम लेते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब तो शोर शराबा है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान के प्रति और कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, बस एक दिखावा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अध्यात्म की तरफ जाओगे तो मन एकाग्र होगा, और एकाग्र मन में ही धार्मिकता आती है, और एकाग्र मन नहीं होगा तो आपके अंदर धार्मिकता आ ही नहीं सकती। आप केवल क्या कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं कि हम धार्मिक हैं।